पीरियड्स के टाइम योगा करना चाहिए या नहीं, ये काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। और इसका मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि पीरियड्स के टाइम आपकी सिचुएशन कैसी है, आपका कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो अगर आप डेली बेसिस पे अगर योग का अभ्यास करते हैं तो शायद आपको इस पेन से गुजरना नहीं पड़े। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम तीन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला, पीरियड्स के टाइम ये पेन क्यों होता है और पीरियड्स कैसे आते हैं। सेकंड, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पीरियड्स के दौरान हमें कौन से योग आसन करने चाहिए। एंड तीसरा, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमें कौन सी ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमारा जो पीरियड्स के टाइम जो बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है उससे हम रिलीफ पा सकें। तो इसके लिए हम क्या क्या अपनी लाइफस्टाइल को लेकर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डीपली बात करने वाले हैं। तो जो अगर आपको भी पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो इस वीडियो को बिल्कुल आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स के बारे में कि पीरियड्स कैसे आते हैं। तो होता क्या है कि हर महीने हर 21 डेज के अंदर हमारे जो पेट के अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर छोटे छोटे एक बहुत सारे एक प्रोड्यूस होते हैं। अब वो एक हमें हर महीने, आपने देखा होगा कि हर महीने हमारे पीरियड्स आते हैं, तो हर महीने हमारी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। लेकिन होता क्या है कि जब वो छोटा सा एक जो बनते हैं छोटे छोटे एक, जब उनको प्रॉपर मात्रा में स्पर्म नहीं मिल पाता है, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, तो वो हर महीने फूट जाते हैं और फूटने से उनके अंदर से फाइब्रॉइड निकलता है। अब वो वाइट कलर का जो फाइब्रॉइड होता है वो ये हमारी ब्लीडिंग होती है। वो जब बाहर निकलता है तो वो थोड़ा सा ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, और जैसे वो बाहर निकलता है तो हमारे पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली ये जो फाइब्रॉइड है किसी किसी लोगों के बहुत ईजिली बाहर निकल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके क्या होता है कि जो अंडा जब फूटता है, जो वो फाइब्रॉइड निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि वो बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है। जब वो मुश्किल से बाहर निकलता है तो हमारे पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो इसके लिए हमें कौन से इजी योग आसन करने चाहिए और जिससे हमारे पीरियड्स के दौरान हमें पेन्स ना आए, पेट दर्द ना हो, तो उसके लिए हम इजी योग आसन करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे मेट के ऊपर रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे और सबसे पहला हमारा योग आसन रहेगा सुप्तबद्ध कोणासन। तो उसको कैसे करना है आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे मेट के ऊपर लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को हम धीरे धीरे ओपन करते हुए और अपने जो दोनों पैर है उसको हम एक दूसरे के सामने की ओर रखेंगे, पैर के तलवे को, और उनको धीरे धीरे पेल्विन के पास में लाएंगे और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को नीचे की तरफ पुश करना है और इसको हमें एटलीस्ट होल्ड रखना है थोड़ी देर के लिए, और डीप इनहेल एंड एक्सहेल हमें करते रहना है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे और ये जो आसन है ये आपको एटलीस्ट कोशिश करना है, इसको आप एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक आप कंटिन्यू करें, क्योंकि जब आप इतनी देर करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगेन पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते रहना है और डीप इनहेल एंड एक्सहेल का हमें ध्यान रखना है। इसमें करते हुए अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाएंगे और पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। अगेन पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए हम हमारे मेट के ऊपर रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। अब चलते हम सेकंड आसन की ओर। सेकंड आसन हमारा रहेगा बद्ध कोणासन। इसको कैसे करना है, इसके लिए हम हमारे मेट के ऊपर रिलैक्स होकर अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के सामने की तरफ रखते हुए बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को हम अच्छे से पकड़ेंगे, कमर एकदम स्ट्रेट रखनी है हमें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल के साथ हम धीरे धीरे अपने लेग्स का मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। पूरी बॉडी को अच्छे से हम रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। और एटलीस्ट आप इसको कोशिश करें कि आप इसको 5 मिनट तक ज़रूर करें। यस, अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम मलासन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी मैट पे रिलैक्स होकर इस तरह से बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को हम बाहर की तरफ ओपन रखेंगे,
अपने दोनों हाथों से हम क्या करेंगे, अपनी कोहनी से हम हमारे पैर पे थोड़ा प्रेशर देंगे ताकि वो साइड से हम अच्छे से ओपन कर पाए उनको। अगेन पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए डीप इनहेल एंड एक्सहेल के साथ इसको हमें कंटिन्यू करना है। और इसको आप कोशिश करें एटलीस्ट आप 5 मिनट तक ज़रूर करें ताकि इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल पाए। इनहेल एंड एक्सहेल। अगेन पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम करेंगे बाल आसन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मैट पर रिलैक्स होके वज्रासन पोजीशन में हम बैठ जाएंगे और पूरी कमर को एकदम स्ट्रेट करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाएंगे। अपने हाथों को पूरा आगे की तरफ ले जाते हुए अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे इस तरह से। और इसमें हमें ध्यान रखना है डीप इनहेल एंड एक्सहेल हमें करते रहना है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते हुए हमें एटलीस्ट ये 5 मिनट तक कंप्लीट करना है। अगेन बॉडी को रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी पूरी मैट पे पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को हम चेस्ट के पास में रखेंगे इस तरह से। और अपनी चेस्ट को हम धीरे धीरे अपनी पूरी अपर बॉडी को पीछे की तरफ बैंड करते हुए धीरे धीरे हम उठाएंगे और अपने पूरे चेस्ट को हम बाहर की तरफ ओपन करेंगे। एल्बो हमारी बैंड रहेगी, गर्दन पूरा ऊपर की ओर रखेंगे और एटलीस्ट इसके अंदर हमें कोशिश करना 5 मिनट तक आप इसमें होल्ड रखें और आप इसको कंटिन्यू 2 से 3 सेट आप इसके कंप्लीट करें जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। अगेन पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए ये 5 आसन हैं जो आपको डेली बेसिस पे करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान, अपने पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है तो ये 5 आसन अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको यूट्रस को लेके भी अगर कोई दिक्कत है तो उसके अंदर भी आप इन आसन को कर सकते हैं। एंड आपको इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर एक आसन को आपको एटलीस्ट 5 मिनट देना है और 5 मिनट तक हर एक आसन को आपको करना है जिससे आपको क्या बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आप उसको हेल्दी तरीके से कर पाएंगे। अभी हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीरियड्स के दौरान ये इतना ज़्यादा पेन होता क्यों है, क्या हम ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत आती है वो है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इंटेक करते हैं, अगर आपका कोई भी रूटीन फिक्स नहीं है खाने पीने का, अगर आप बहुत ऑयली फूड खाते हैं, अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, अगर आप शुगरी फूड ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपको बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जो आपको ये अवॉइड करना है, अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल में जीना है तो आपको ये फास्ट फूड एंड ऑयली फूड एंड मीठे वाली जो चीज़ें आती है जितनी भी, वो बहुत ही अनहेल्दी होती है, तो उनको आपको सबसे पहले अवॉइड करना है। सेकंड, जो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपको स्ट्रेस को जितना हो सके कम कर देना है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे स्ट्रेस लेने से हर एक चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक चीज़ जो होना है तो वो होके रहेगा। तो आप जितना हो सके स्ट्रेस को कम करें। थर्ड चीज़ आपको क्या काम करना है, आपको सोने का अपना पैटर्न चेंज करना है। जो अगर आप लेट नाइट सोते हैं या फिर लेट सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आपका सोने का कोई भी रूटीन फिक्स नहीं है, तो सबसे पहले आप रूटीन को फिक्स कीजिए और सोने का अपना पैटर्न चेंज कीजिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। एंड लास्ट, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो सबसे पहले अपने लाइफ के अंदर, अपने रूटीन के अंदर एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ऐड करें। जो मैंने आपको योगा बताया है, एटलीस्ट आप 45 मिनट या आधा घंटा भी अगर आप इन योगा आसन को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है और आप फिजिकल एक्टिव रह पाते हैं। अब लास्ट, आपको एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फास्ट फूड ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल भी इंटेक नहीं करनी है पीरियड्स के दौरान। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप पीरियड्स के टाइम आप जैसे कि एकदम लाइट फूड इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, दाल, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। एंड PCOD एक ऐसी दिक्कत है जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा रिलीफ करेगा। ये अगर चीज़ें जो मैं आपको बताई, अगर आप उनको सीरियसली फॉलो करते हैं, जो मैंने योगा आसन बताया, अगर आप उनको सीरियसली फॉलो करते हैं, अपना रूटीन, अपना लाइफस्टाइल अगर आप चेंज करते हैं तो पीरियड्स के टाइम जो होने वाला दर्द है उससे आप काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पा। एंड अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए और मुझे कौन से योग आसन करने चाहिए, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन से आसन करने चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना व्हाट्सअप लिंक शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी जो भी दिक्कत है वहाँ पे जाके आप मुझे बता सकते हैं, मेरी टीम और मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और जो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।